समाजवादी मजदूर सभा के महानगर अध्यक्ष सरताज सैफी ने चक्कर के मिलक मुरादाबाद के रहने वाले सपा नेता नूर हसन को सपा मजदूर सभा में महानगर सचिव के पद पर मनोनीत किया है। 10 अक्टूबर की रात को चक्कर के मिलक मुरादाबाद में पुराने आरटीओ ऑफिस के पास मुकर्रबपुर क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम में सरताज सैफी ने नूर हसन के मनोनयन का ऐलान किया तथा तालियों की जोरदार आवाजों के बीच उन्हें विधिवत मनोनयन पत्र प्रदान किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सपा मजदूर सभा के महानगर अध्यक्ष सरताज सैफी ने की तथा संचालन सपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष जहूर मलिक ने किया। इस अवसर पर खास तौर से समाजवादी पार्टी के महानगर महासचिव कुलदीप तिरहा एडवोकेट, सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिला स्तरीय बूथ संचालन कमेटी के अध्यक्ष फिरासत हुसैन गामा, सपा अल्पसंख्यक सभा के जिला अध्यक्ष उस्मान अली, जिला सचिव रईस सैफी, सपा मजदूर सभा के जिला अध्यक्ष फहीम राजा, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिला महासचिव अख्तर अली घोसी, सपा महिला सभा के पूर्व महानगर अध्यक्ष यास्मीन सैफी, फातिमा सैफी, गुलनाज भी, हिना भी, वरिष्ठ सपा नेता यूसुफ खलीफा, आजाद अली मसूदी तथा मोहम्मद नासिर, मोहम्मद याकूब, मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद अजीम, मोहम्मद नवाब आदि भी उपस्थित रहे। सभी लोगों ने नवमनोनीत महानगर सचिव नूर हसन का माला पहनाकर स्वागत किया तथा उन्हें सपा मजदूर सभा में महानगर सचिव बनने पर मुबारकबाद पेश की। इससे पहले कार्यक्रम में पहुंचने पर मुख्य अतिथि सरताज सैफी तथा अन्य सभी मेहमानों का गुलपोशी करके इस्तकबाल किया गया। सपा महिला सभा की पूर्व महानगर अध्यक्षा यास्मीन सैफी ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा, इनकी ये जिम्मेदारी है कि मजदूरों के लिए काम करें, अपने मोहल्ले बस्ती महानगर में जो लोग मजदूर हैं उनको जो जरूरतें हैं उनका ध्यान रखें, उनके लिए संघर्ष करें और आगे प्रशासन से भी इनके लिए अपने जो जिला अध्यक्ष है महानगर अध्यक्ष है और हम सब लोग हैं जो भी पार्टी के लोग हैं सबका सहयोग लेके इन लोगों की आवाज आगे उठाए। इस अवसर पर जब नव मनोनीत महानगर सचिव नूर हसन से बात की गई तो उन्होंने कहा, हमारे सरताज भाई साहब का, सेवी साहब का शुक्रिया अदा करेंगे जो हमें इससे नवाजा और हम मजदूर सभा में जुड़े हैं। नहीं, आपको ये जो पद दिया गया है तो इस जिम्मेदारी को किस तरह निभाएंगे आप? जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाएंगे और अध्यक्ष जी का हमारा बहुत बहुत शुक्रिया। और जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, आम लोगों से? ये अपील करना चाहेंगे कि ये जो मजदूर कार्ड बने हैं इनमें बहुत बहुत मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो लोग मजदूर लोगों तक नहीं पहुंच पाती, तो उन तक हम ये चीज़ें पहुंचाएंगे। हमारी जब सरकार जब थी तो हमने बहुत काम करा और आने वाले टाइम में हमारी सरकार बनेगी, जरूर से ज़रूर बनेगी, तो हम आगे को और भी काम करेंगे मजदूरों को।